यूज हो गया, बाकी कुछ था नहीं इसमें यार। ए गैस इज कंप्रेस आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम गैस इज कंप्रेस सेपरेटली थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस अंटिल द वॉल्यूम अगेन रिड्यूस टू हाफ। गैस कंप्रेस आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, सेम गैस उसको हमने एडियाबेटिकली अंटिल इट्स वॉल्यूम अगेन रिड्यूस टू हाफ, तो उसमें वर्क डन में कंपेयर करना है। अब आपको ध्यान देना, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से इसको मैं समझा रहा हूँ, कब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें, बट ये बात याद रखना कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन में दोनों में वर्क डन बदल जाता है यार। कंप्रेस किया हुआ है आइसोथर्मली हाफ इट इनिशियल वॉल्यूम, कंप्रेस तब होगा जब वॉल्यूम कम होगा, तो ये मान लो यहाँ पर वॉल्यूम भी है और यहाँ पर वॉल्यूम टू भी है, तो कंप्रेस हुआ मान लो इस पॉइंट से कंप्रेस हुआ, तो इस पॉइंट से कंप्रेस होने में हमें दो कर्व ले लिए, बहुत ज़्यादा सीधा ही नहीं ले लो, ये दोनों का कर्व ऐसे ही होता है, ठीक है, ये दो। अब इसमें से एक आइसोथर्मल है एक एडियाबेटिक है, अब कैसे पहचानोगे, स्लोप से। वर्क डन इसमें किसमें अधिक होगा कंपेयरिंग मोर वर्क, देखो ऑप्शन चेक करो और पता चल रहा कि वर्क डन का कंपैरिजन पूछ रहा, कंपैरिजन करो इसमें से। जो आइसोथर्मल होता है आइसोथर्मल, उसमें जो स्लोप होता है वो होता है पी बाई बी माइनस, और जो एडियाबेटिक होता है उसमें जो स्लोप होता है माइनस गामा पी बाई बी, तो एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है, तो इसमें से स्लोप ज़्यादा मतलब क्या, कौन खड़ा रहेगा, ठीक है, तो कौन खड़ा रहेगा, ज़्यादा जो खड़ा रहेगा वो एडियाबेटिक होगा। अब देखो इसमें से स्लोप ये वाली जो कर्व है वो एडियाबेटिक है और ये वाली जो कर्व है वो आइसोथर्मल है। अब इसको ऐसे होता था जो एक्सपेंशन था उसमें ये बदल जाते थे यार, देखो इधर एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ आपका कन्फ्यूजन ना हो। ये पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है, ये भी वॉल्यूम है और ये टू भी वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ से ये, अब यहाँ से हमने एक स्टेप लिया, एक इनिशिएटिव ले स्टेप लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो ऊपर जाएंगे तो स्लोप और कम होगा। अब बेसिकली अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसका स्लोप कम है यार, ये जो नीचे वाला है इसका स्लोप, सॉरी इसका स्लोप ज़्यादा है और उसका स्लोप क्या है, कम है, इसका स्लोप बिल्कुल कम है, जीरो है, तो ये जो है नीचे वाला वो एडियाबेटिक है और ये ऊपर वाला क्या है, आइसोथर्मल है। बाकी अभी चारों एक ही जगह आएंगे, मैं समझा दूंगा चारों एक में, तो ये देना, ये ध्यान देना कि इसमें और इधर बदल जाता है, इधर पीवी डायग्राम में एक्सपेंशन है और ये कंप्रेशन है। अब वर्क डन, पीवी डायग्राम में वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। इस पॉइंट से वॉल्यूम एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये एरिया अंडर द कर्व ऑफ आइसोथर्मल का है। तो एडियाबेटिक का देखो, एडियाबेटिक का देखते हैं, एडियाबेटिक के ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, वॉल्यूम एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये एरिया ज़्यादा है, तो एडियाबेटिक का जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका वर्क डन भी ज़्यादा, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, तो एडियाबेटिक में वर्क डन ज़्यादा होगा और आइसोथर्मल में कम होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर एडियाबेटिक में वर्क डन कम होगा और आइसोथर्मल में वर्क डन ज़्यादा होगा, ठीक है, ये अब बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चेक कर लो इसमें से, कंप्रेशन गैस थ्रू एडियाबेटिक रिक्वायर मोर वर्क डन, डी ऑप्शन सही है, बाकी आप चेक कर लेना सारे ऑप्शन।